बजरंग बली, बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजन सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। यही अग्नि लोक, इसे पार करके ही आगे जाना होगा। नारायण नारायण, अग्नि लोक तो पहुंच ही गए हैं हनुमान जी। मालिन, तुम एक स्त्री हो इसलिए हम अभी तक शांत हैं। यदि अब भी तुम मारुति के बारे में नहीं बताओगी तो हम तुम्हें वो दंड देंगे जो तुम्हारे जीवन को नरक के समान बना देगा। भले ही उस पर यातनाओं का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किंतु नारी मन की पीड़ा अवश्य ही उसे पिघला देगी। वो अवश्य हमें बता देगी कि मारुति को उसने कहाँ छुपा कर रखा है। बता, कहाँ है मारुति? मैंने कहा बता, बोल मालन बोल, मारुति कहाँ है? नहीं बताएगी? हर घाव पर जब नमक मला जाता है तो पत्थर हृदय भी बोल उठते हैं। देखती हूं तू कैसे नहीं बताती। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम मेरे राम, रानी जी। आप हमें हमारा मारुति लौटा दो।
देखो, तुम्हें तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम सब कुछ दे देंगे, धन संपदा राजपाट सब, किंतु हमारा मारुति न डालो, हमारा मारुति न डालो। यदि हमारे मारुति को कुछ हो गया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। बोलो बोलो मालिन, हमारा मारुति कहाँ है? लौटा दो हमारा मारुति, लौटा दो। मैं आपको मारुति के बारे में कुछ नहीं बता सकती। के वासी नहीं समझ सकते, इसलिए मैं आपको ये भी नहीं बता सकती कि मारुति अपनी दोनों माताओं के दुख दूर करने के लिए ही गया है। भाभी आप चलिए यहाँ से, ये कुंद्रा सब कुछ पूछ लेगी इससे, आप चलिए।
देवर्षि, हनुमान जी ने अग्नि लोक को भी पार कर लिया है, किंतु अंधकार लोक को पार करना सहज नहीं होगा। आप सत्य कह रहे हैं गंधर्वराज, अंधकार लोक का प्रवेश मार्ग इतना अंधकारमयी है कि इसे कोई नहीं ढूंढ सका है। सूर्य की किरणें भी इसके अंधकार में लुप्त हो जाती हैं। केवल इसके मार्ग को यमराज ही जानते हैं। लगता है यह कोई अदृश्य दीवार है। लगता है यही अंधकार लोक। माता शबरी ने कहा था अग्नि लोक के बाद अंधकार लोक आएगा। यह चारों ओर अंधकार ही है और आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। रास्ता ये क्या देवर्षि, हनुमान तो अंधकार लोक में लुप्त हो गए। नारायण नारायण, अभी न जाने क्या क्या विचित्र घटने वाला है हनुमान के साथ। हनुमान एक एक करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वहां किस किंधा में उनके लिए हाहाकार मचा हुआ है। अंजना ने किस प्रकार अपने हृदय पर पत्थर रखकर मारुति को हमें सौंपा था, किंतु हम उसकी रक्षा ही नहीं कर सके। हम अंजना को क्या उत्तर देंगे कि कहाँ है मारुति? हमें मारुति को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। महाराज बाली, हम दोनों ने निश्चय किया है कि मारुति आप ही के साथ जाएगा। अब से वो आप ही का पुत्र है, अब से हमारा उसका कोई संबंध नहीं होगा। हाँ, हमारी प्रसन्नता इसी में है कि मारुति आपके साथ जाए। अब विलाप करने से कुछ नहीं होगा भाभी, मारुति का पता तो चल ही जाएगा। किंतु हमें ऐसा लगता है कि इसकी सूचना हमें अंजन प्रदेश को भेज देनी चाहिए। क्या सूचना भिजवा देनी चाहिए अंजन प्रदेश? हम उनके पुत्र की रक्षा नहीं कर सके।
तो हमारे लिए लज्जा से डूब मरने वाली बात है। ये एक स्त्री हमारे महल से मारुति को लेकर चली गई और हमें पता तक नहीं चला। किंतु भैया, सत्य तो यही है, और इतना बड़ा सत्य उनके माता पिता से छुपाना उचित नहीं है भैया। भैया, मैंने सुना है कि मारुति कभी कभी केसरी जी के महल से भी इसी प्रकार चला जाता था। हो सकता है कि हमें वहां से ही मारुति के बारे में कुछ पता चल जाए। स्वामी, सुग्रीव भैया ठीक कह रहे हैं, क्या पता वहां किसी को कुछ पता हो। ठीक है, यदि ऐसा है तो सुग्रीव आज ही तुम सूचना भिजवा दो, किंतु यह भी कहला देना कि हम अपने प्राण देकर भी मारुति की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमें संसार को उलट पलट देंगे, लेकिन मारुति को कुछ नहीं होने देंगे। नारायण नारायण, हनुमान को कोई भी भूल भुलैया भटका नहीं सकती। अब वे शीघ्र ही यमलोक पार करके पितृलोक चले जाएंगे। लगता है यही है यमलोक का द्वार। हे बालक, रुक जाओ वहीं। कौन हो तुम और यहां तक कैसे पहुंच गए? वैसे ही आ गया जैसे सब आते हैं। यहां कोई जीवित नहीं आता, यह आत्माओं का लोक है। यहाँ आत्मा रूप में ही प्राणी आ सकता है। देखिए, मैं यहाँ यमदेव से मिलने आया हूँ, मुझे भीतर जाने दीजिए। नहीं, तुम यमदेव से नहीं मिल सकते। सुनो बालक, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से लौट जाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे यमलोक जाने दीजिए। लगता है तू बहुत बड़ा मायावी बालक है जो अपने देह के साथ यहाँ तक आ गया, लेकिन अब तू यहाँ से आगे नहीं जा सकेगा। ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई। मैं अब अंदर कैसे जाऊँ? वहाँ किष्किंधा में शबरी माता को यातनाएं दी जा रही हैं। उनका जीवन संकट में है। अब भी समय है, बता दे मारुति कहाँ है, बोल। नहीं बोलेगी तो